ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ऐसी है कि एक बार फिर हर तरफ मातम पसर गया है, एक बार फिर लोग सदमे में आ गए हैं। जी हां, झांसी अग्निकांड में गंभीर रूप से झुलसे एक और नवजात ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मासूम का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब झांसी अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 10 से 11 हो गई। बता दें, शुक्रवार की रात NICU में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई। वहीं रविवार को इलाज के दौरान एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या 11 हो गई। झांसी DM ने बताया कि हादसे के समय 49 नवजात शिशु थे, 39 शिशुओं का रेस्क्यू किया गया था। DM अविनाश कुमार ने बताया कि रविवार को इलाज के दौरान एक और नवजात की जान चली गई है, जिससे हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। कल तक हम लोगों के पास जो टोटल बच्चों की मृत्यु हुई थी, जो अग्निकांड के कारण मारे गए थे, वो 10 बच्चे थे। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि 38 बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज प्लस विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है और जो भी बच्चे वहां से रेस्क्यू किए गए थे, उसमें से कोई भी बर्न इंजरीज का बच्चा नहीं था। नीकू में बच्चे वही आते हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो सीरियसली इल होते हैं, उनकी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, इसीलिए उन्हें न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। तो जो उन्हें शिफ्ट किया गया था, उनमें से 3 क्रिटिकल बच्चे थे। उस क्रिटिकल बच्चे में से एक की मृत्यु आज सुबह हुई है और उसकी मृत्यु बर्न इंजरीज के कारण ना होकर के जो उसकी कंडीशन थी उसके कारण। बता दें, NICU में शुक्रवार देर रात लगी आग की वजह साफ नहीं हो सकी है। अस्पताल प्रशासन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात तो कबूल कर रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ इसका जवाब देने के लिए अफसर राजी नहीं है। शुरुआती जांच में सामने आया कि NICU में उपकरणों के अत्यधिक लोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद चिंगारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक पहुंची, जिसके बाद ही आग बेकाबू हो गई। पुलिस आग लगने के दूसरे पहलुओं को भी खंगालने में जुटी है। इस घटना के बाद से ही राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर CM योगी आदित्यनाथ को घेरा है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी ये निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं, तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं, अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम ये है कि बजट न मिलना नंबर एक। नंबर टू, वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही की है। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है।